10,000 फिर निकला। हाँ। 10,000 निकाले के बाद फिर शीतल वो लगा रहे हैं उनका एक दो जने। हाँ। वो आदमी तो शीतल फिर दे दिए पैसा, हम कर दे दे इनको पेट भर जाए। हाँ हाँ ले लिए हैं। आपने उनको पैसा दे दिया? दे दिया, शीतल के हाथ से वो लिए हैं। अच्छा। हाँ उनके चमचक हाथ में हम कंध के दे इनकर पेट भर जाए। हाँ मतलब, अच्छा ये बताइए आपने ऐसा क्यों कहा कि पेट भर जाए? मतलब परेशान थे आप या क्या बात? एकदम एक मुसलमान भी है, 24 घंटा वहाँ ले जाने के खातिर बैंक में हमके हेरते रहते हैं, प्राण नहीं बचता है। गांड में लात मार के इनके ले चलो बंद करो, मकान नहीं बनवाते हैं। तो हम कहे कि भाई ठीक है ले चलो, अभी ले चलो थाने। महान भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं तो रुपया गरीब तक पहुंचते पहुंचते एक पैसा हो जाता है। लेकिन ये 21वीं सदी का भारत है, मई 2022 चल रहा है और यहाँ नियम कानून सारे बदल चुके हैं। अब डायरेक्ट पैसे हितग्राही के खाते में भी आते हैं, लेकिन अभी भी पैसा पूरा उस ग्रामीण को, उस दबे कुचले गरीब को नहीं मिल पाता है। ऐसी ही एक बिसात और एक उदाहरण हमारे साथ हैं। आपका नाम श्री जगन्नाथ बैगा जी है, ये आपका गांव कौन सा है? परमा गांव से आप संबंध रखते हैं। और दोस्तों मेरे हाथ में इलाहाबाद बैंक की पासबुक है। दोस्तों इनके साथ इस कदर अन्याय किया है, इनके क्षेत्र के सरपंच, सरपंच के दलाल और सेक्रेटरी ने मिलकर इनको लगातार दिन और रात दबाव डाल रहे हैं कि इनके खाते में जो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पैसा डाले हैं उस पैसे की राशि को निकालने की फिराक में है, दबाव देकर किसी प्रकार से दंडित करके। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि कुछ पैसा इनके खाते से निकाल भी लिया गया है। अब और बोला जा रहा है कि तुम बाकी के बचे पैसे निकाल के और हमें वापस कर दो। क्यों, कुछ ऐसा ही मैटर है आपका ना? क्या असल में आप आहिस्ते से आप हमारे पास आए हैं, आप ठंडी सांस लीजिए और निश्चिंत हो जाइए, मैं आपकी आवाज़ को यहाँ पर उठाऊंगा और आप स्टेप वाइज बताने की कोशिश करिए शुरुआत से क्या हुआ। उसके पहले दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास के तहत 25,000 रुपये 16 जून 2021 को इनके आए थे, मैं इसकी स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर लगा दूंगा। इसके बाद 45,000 रुपये आए हैं 13 अक्टूबर 2021 को, यानी कि 25,000 की एक किस्त आती है 2021 जून में और फिर एक किस्त आती है अक्टूबर में 45,000 की। और फिर इनके खाते से 10,000 रुपये डिडक्ट होता है, यानी कि 10,000 रुपये निकाला जाता है 13 दिसंबर को। पहली किस्त आई जून में 25,000 की, दूसरी किस्त आती है 45,000 की अक्टूबर में और दिसंबर में 10,000 रुपये इनके खाते से निकाल लिए जाते हैं। भाई साहब का ये कहना है कि जो 10,000 रुपये इनके खाते से निकाले गए या यूं कहें कि निकलवाए गए, वो किसी न किसी दबाव में निकलवाए गए। और जो 10,000 रुपये निकलवाए गए, इनका ऐसा आरोप है कि सरपंच के दलाल ने और सेक्रेटरी ने मिलकर, यहाँ तक कि कई उच्च अधिकारियों ने मिलकर उस पैसे में बंदर बांट कर ली, इनको एक रुपया नहीं मिल पाया। ये अपने मुंह से स्वयं आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आप शुरू से बताने की कोशिश करिए, पिछले साल गर्मी में आपके 25,000 रुपये में खाते में आए थे, उसके बाद अक्टूबर महीने में आपके 45,000 रुपये और आए। इसमें दिखा रहा है कि 13 दिसंबर को आपके खाते से 10,000 रुपये निकले हुए हैं। आप पैसा कहाँ से निकाले थे? इलाहाबाद बैंक से। इलाहाबाद बैंक से आपने पैसा निकाला था, उसके बाद क्या हुआ? पैसा निकालने के बाद क्या हुआ?
भाई एक चमचा रहा उनको हाथ से वो ले लिए। क्या नाम था चमचे का? वो शीतल नाम है। क्या शीतल? पूरा नाम बताइए, पूरी बात यहाँ पे स्पष्ट करिए आप। नहीं, शीतल नाम है। हाँ। शीतल बैगा जी हैं? शीतल बैगा है। अच्छा, वो कौन है? आपके गांव के हैं? हाँ, हमारे गांव के हैं। आप उनको चमचा बोल रहे हैं, किसके चमचे हैं वो? वो रामे द्विवेदी का। रामे द्विवेदी कौन है? वही है जो चमचा है तो वही है। मतलब सरपंची करते हैं वो ना? पूरी बात, हर बात की स्पष्ट बताइए, क्लियर बताइए। सरपंच आपके यहाँ के कौन है? सरपंच दाऊ देवी ने खत्म हो गया। दाऊ देवी वहाँ की सरपंच हैं और सरपंच की दलाली करते हैं, या यूं कहें कि सरपंची ही करते हैं रामे द्विवेदी, जो कि किस गांव के हैं? रामे द्विवेदी किस गांव के हैं? धनहा पंचायत। धनहा पंचायत के हैं। लेकिन आप इनकी आपकी पंचायत कौन सी है? हमारा पंचायत धनहा है। आपकी पंचायत धनहा ही है। गाँव कौन सा है आपका? परमा टोला। परमा टोला आपका है। तो परमा में ये भी परमा की ये आदमी है, इनका घर है परमा में, और वो सरपंच की दलाली करते हैं रामे दुबे। हाँ, अब पूरी बात बताइए कि रामे दुबे के चमचे कौन थे जिनका नाम आपने बताया? शीतल। शीतल, आप जब बैंक से पैसा निकाले उसके बाद क्या हुआ? बैंक से निकाले, फिर यहाँ बाजार मिले थे तो लिए पैसा। हाँ, आपसे पूरा पैसा ले लिए, पूरे 10,000 रुपये ले लिए। इसमें दिसंबर 13 दिसंबर 2021 को जो दिख रहा है, 10,000 रुपये आपके खाते से निकाले गए। निकाले गए। उसके बाद पूरा पैसा आपसे ले लिए, वो हमारे पास बुक लेकर बैंक में सकाए गए अंदर। हाँ। अंदर किम निकालो तो हम कहें कि भाई तू करत है कैसन हमारे संगे। हाँ। पैसा थावत जहाँ आए तो है। हाँ। 40,000 का वो 3 दारी डबल भरे। हाँ। पर वो जन धन को खाता रहा तो 40,000 नहीं निकला, फिर 10,000 निकला। फिर अच्छा, 10,000 निकला। हाँ। मतलब इनके कहने का ये है कि 40,000 रुपये निकालने की फिराक में थे, है ना, आपके खाता से निकालने की फिराक में थे, तीन बार कोशिश भी किए। हाँ, कहे कि तो तुम्हारा पैसा नहीं है। हाँ। ये पैसा तुम्हारा नहीं है, आपके खाते में आया है, सरकार ने आपके खाते में पैसा भेजा है, तो आपका पैसा कैसे नहीं है? आप पूरी बात बताइए। वो दूसर का पैसा है, मिस्टेक हो गया है। हाँ। मिस्टेक हो गया है, दूसर का पैसा है। हाँ। तुम्हारे खाता में 40,000 निकाल दो। अच्छा, हाँ यही बात कहें। हाँ, फिर 40,000 रुपये नहीं निकला, तो फिर 10,000 रुपये निकला। हाँ, 10,000 फिर निकला। 10,000 निकाले के बाद फिर शीतल वो लगा रहे हैं, उनका एक दो जने। हाँ। वो आदमी तो शीतल फिर दे दिए पैसा, हम कर दे दे इनको, पेट भर जाए। दोस्तों, रामायण भारत में हमने गुप्तचरों के बारे में सुना था, सैनिकों के बारे में सुना था, यहाँ पर सरपंच के दलाल जो कि सवर्ण से संबंध रखते हैं और उनके चूंकि बाहुबली हैं, पैसे रुपए हैं उनके पास, हर प्रकार से सक्षम है, इस प्रकार अपने गुप्तचर अपने चमचे इकट्ठा किए हुए हैं और वो चमचे इस गरीब से पैसे निकलवाते हैं और पैसे निकलवा करके इनसे बाजार में पैसा ले लेते हैं। यही बात है ना? हाँ, ले लिए हैं। आपने उनको पैसा दे दिया? दे दिया, शीतल के हाथ से वो लिए। अच्छा। हाँ, उनके चमचा हाथ में दई दैन कर पेट भर जाए। हाँ। मतलब, अच्छा ये बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा कि पेट भर जाए? मतलब परेशान थे आप या क्या बात? एकदम एक मुसलमान भी है, 24 घंटा वहाँ ले जाने खातिर बैंक में हम के हेरते रहते हैं, प्राण नहीं बचता है। हाँ। हाँ। अभी भी हाल है क्या ऐसा ही? अभी भी ढूंढते हैं आप? एक दिन नोडल अधिकारी ने गए थे और सरपंच सेक्रेटरी दोनों गए तो कहे कि पक्का मकान बनवा लो, और पक्का मकान बनवा लो नहीं तो नहीं बनवाएगा तो गड़बड़ है। तो हम कहें क्या गड़बड़ है? तो कहें कि वो नोडल अधिकारी बोले कि इनको ले चलो थाने बंद करो। हाँ। गांड में लात मार के इनके ले चलो बंद करो, मकान नहीं बनवाते हैं। हाँ। तो हम कहे कि भाई ठीक है, ले चलो अभी ले चलो थाने। तो नहीं, नोडल अधिकारी जब आए, जब आपको ऐसा बोल रहे थे, वो जाहिर सी बात है जब आपके खाते में पैसा आया तो आपको घर बनवाना पड़ेगा। हाँ। तो आपने उन अधिकारी से बताया नहीं कि 10,000 रुपये ये फला आदमी हमसे ले लिया है? आपको मुझे बताना चाहिए था। तो हम नहीं बताए, हम कहना थाने में ले चलिए तब हम बताओ कि का कैसा बात है, वो हमको समझ में नहीं आया। ये गांव के आदमी हैं, कुछ ज़्यादा ही सीधे हैं, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ज़्यादा सीधे रहते हैं ना, उन्हीं को काटा जाता है, उन्हीं को दबाया जाता है और उन्हीं पर अत्याचार किया जाता है और उन्हीं के जरिए भ्रष्टाचार होता है। यहां पर 10,000 रुपये 13 दिसंबर 2021 को निकाला जाता है और ये यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि इनसे ज़बरदस्ती पैसा निकलवा लिया गया और पैसे निकलवा करके इनके हाथ से पैसा ले भी लिया गया। साथ में बार बार अभी भी इनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि किसी प्रकार से अभी जो पैसा राशि बची हुई है वो भी निकल जाए। हाँ,
ये भी कह रहे हैं हमारा मर्जी है कि पैसा आपस हो जाए तब भी ठीक है, पैसा भी आपस हो जाए जितना हमारे खाता में है तो भी, और पैसा जो 10,000 लिए हैं वो भी जमा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा हो जाना जरूरी है। देखिए इनकी सरलता किस कदर है कि ये भी चाह रहे हैं कि सरकार ने जो इनके खाते में 25+45 खाते में पैसे डाले हैं वो पैसे भी वापस हो जाएं, बल्कि जो 10,000 रुपये निकाले हैं जो इनका पैसा धोखाधड़ी करके लूट लिए हैं निकलवा लिए हैं वो पैसा भी वापस हो जाए, यानी कि प्रधानमंत्री आवास के तहत जो भी पैसा इनको मिला है इनके साथ इस कदर अत्याचार हो रहा है कि ये अब पूरे तरीके से परेशान हो चुके हैं और अब चाहते हैं कि झंझट खत्म हो जाए, बल्कि सरकार ऐसा करे कि जो पैसा दी है वो पैसा निकाल के सरकार अपने अपने खजाने में डाल ले, आपस भी हमें बने वापस कर ले पैसा, आपस कर लो नहीं हमारे परेशानी से दूर। अच्छा ये बताओ अभी भी आपको परेशान करते हैं? बोलो भाई ये सरकारी पैसा है, कहते हैं कि नहीं बढ़वाएंगे बंधवाएंगे, 20 जाल रचते हैं ना, तो पैसा आपस भी हो जाए तो ठीक है। हमारे ये ईंटा अगर गलत हो जाएगा तो एक ईंटा हमारा खरीदने का गति नहीं है, और ये हम चमचा लोग परेशान कर रहे हैं खाने के लिए। वो दिन बोलते रहें 8 तारीख के कि बनवा लो कम से कम पिलर खड़ा कर दो, पिलर खड़ा कर दो, हाँ इतने भी कर दो, अधिक ना हो सकता तो खाने को उपाय न है। हाँ यही है गुरु। दोस्तों मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग इनके मैटर को समझ गए हैं, क्योंकि इतने सरल आदमी हैं ये हर चीज़ दांव पेच नहीं जानते हैं। इनसे 10,000 रुपये जोर जबरदस्ती करके निकलवा लिया गया है, अब इनसे ये कहा जा रहा है कि जो पैसे तुम्हारे खाता में हैं उस पैसे से तुम प्रधानमंत्री आवास के तहत कम से कम 4-8 पिलर खड़ा कर लो, अपना घर बनाना तुम चालू कर दो, बाकी के और पैसे हम तुम्हारे खाते में डालेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 70,000 रुपये डाले हैं, 10,000 रुपये जिसमें से गटक गए हैं वो लोग, और ये चाहते हैं कि काम शुरू कर दें और ऐसे ही धीरे धीरे इनसे पैसे निकालते रहें। और भ्रष्टाचार का ये एक आप नमूना देखिए किस कदर बेशर्मी बढ़ गई है। न तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के डंडे का किसी को खौफ है, न किसी अधिकारी को है, न किसी सरपंच को है, और न ही किसी सरपंच के दलाल को है। किस प्रकार से दलाल पूरे भारत में पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे के पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं, और अपनी दलाली से ऐसे ही बेचारे गरीबों को बेचारे दबे कुचलों को लगातार परेशान करते आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी यह कोशिश थी कि हम इनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सकें, इस मैटर की पूरे तरीके से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हों उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर ये झूठ बोल रहे हो तो इनके साथ आप तैयार हैं ना? अगर आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप किसी प्रकार की दंदी फंदी यहाँ पे हमारे कैमरे के सामने कर रहे हो तो आपके साथ न्याय हो। अगर आप गलत कर रहे हो तो या तो फिर आपको जिस दलाल ने जिस सरपंच ने जिस सेक्रेटरी ने परेशान किया है उसके साथ न्याय होना चाहिए, यही इनकी मांग है, यही हम सबकी मांग है। तभी अपना प्रदेश और अपना देश सशक्त बन सकेगा, जब ये एक्चुअली दे आर अवर इंडियंस, ये सच्चे भारतीय हैं और यही भारतीय हैं, ये देश की संपत्ति हैं, वास्तव में यही है देश की संपत्ति, और इन्हीं के साथ हो रहा है गलत। अभी भी दलालों की चलती है अपने देश में और अधिकारियों की चलती है अपने देश में, गरीबों की कोई सुनने को यहां पर तैयार ही नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए ताकि माननीय कलेक्टर सिंगरौली तक यह वीडियो पहुँचे और वो लोग एक्सपोज हो सकें, नंगे हो सकें, जो कि इनके साथ लगातार गलत कर रहे हैं और गलत करने का मन भी बनाए हुए हैं, अभी गलत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।